हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है शाहाना ब्लॉग पर। आज बनाने जा रही हूँ क्वाश और आलू मिर्गा मछली की रेसिपी बनाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो पूरा पूरी देखिए और शाहाना ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए। और आज की ये रेसिपी आई होप आप सबको अच्छा लगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शाहाना ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए। तो इधर मछली ले लिया है, अच्छे से काट लिया है मछली को। काटने के बाद थोड़ी हल्दी पाउडर और थोड़ी जीरा पाउडर, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर डालकर इनको फ्राई करेंगे। गोल्डन कलर करके फ्राई कर लेंगे और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर रख दूंगी 5 मिनट के लिए। अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इधर देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी कढ़ाई रख दिया है चूल्हे पर, कढ़ाई गर्म हो चुका है तो तेल डाल दूंगी। डालकर तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब मैं मछली डाल दूंगी एक एक करके। और ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, आप लोग ट्राई कीजिए ज़रूर। और कम मसाला कम तेल से बनाया है ये रेसिपी। और अभी देखिए अच्छे से धो लिया है, पहले से काट कर रख दिया था मैंने और अभी अच्छे से दो बार धो लिया है। धोने के बाद अभी थोड़ी दाल भिगो लेंगे, दाल भी डालेंगे तो अच्छा लगेगा खाने में। और कल कुछ रेसिपी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं गई थी डॉक्टर के पास, तबीयत इतना ख़राब हो गया था, अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई थी तो इसलिए मैं गई थी डॉक्टर के पास। उधर से जब आ रही थी तब बज गया था शाम की 5 बज रही थी तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और इसके लिए सॉरी। तो देख सकते हैं इधर प्याज काट लिया है एक मीडियम साइज का और इधर हमारा जो मछली है वो भी फ्राई हो चुका है, जो बचा था वो फ्राई कर लूँगी। देख सकते हैं फ्राई कर लिया है। और इधर दो लहसुन की कलियाँ लिया है वो भी काट लूँगी ऐसे। तो इधर इतना फ्राई हो गया है और ये भी फ्राई हो चुका है तो मैं क्या करूँगी एक एक करके रख दूँगी। और हम सब तो मसाला के साथ हम सब तो मसाला ज़्यादा देकर ही मछली या कुछ भी रेसिपी हो तो खाते हैं मसाला के साथ। तो आज का ये रेसिपी है कम मसाला के साथ बनाया है, तो ज़्यादा मसाला सेहत के लिए अच्छा नहीं है तो मैंने सोचा पतली सी सिंपल सी एक रेसिपी कम मसाला के साथ मैं बनाकर आप लोगों को दिखाऊं। और आप लोग भी ट्राई कीजिए, ज़्यादा मसाला मत खाइए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो अभी देखिए इधर टमाटर और प्याज फ्राई हो चुका है, अभी थोड़ी पानी डालकर अच्छे से फ्राई कर लूँगी, भून लेंगे अच्छे से। और मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मसाला कम खाने की, तो अभी जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी कम मसाला कम तेल की वीडियो अपलोड करूँगी पतली करके, सब्जी से रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो अभी देखिए सब्जी डाल दिया है, डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये सब्जी से पानी निकलता है। तो अभी दाल अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद डाल दूंगी, डालकर एक साथ इनको भुनेंगे। अभी देखिए अच्छे से चला लिया है, 5 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। अभी देखिए कुछ इस तरह से हुआ है तो पानी डाल दूंगी। अभी देखिए दाल भी हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है, ज़्यादा बॉईल नहीं हुआ है तो सब्जी भी लगभग बॉईल हो चुका है। तो अभी और पानी डालेंगे, और पानी डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से और एक बार चलाएंगे, चलाने के बाद और पानी डाल देंगे। डालकर 5 मिनट ढक कर रख दूंगी क्योंकि उबाल आ चुका है। अभी देखिए पानी भी काफ़ी सूख चुका है और हमारा सब्जी भी
बॉईल हो चुका है अच्छे से, तो एक बार चेक कर लेती हूँ। तो अभी मछली जो फ्राई किया हुआ था वो डाल दूँगी। पहले दो सार डाल दिया है, अभी जो मछली की पीसेस है वो डाल दूँगी। और यकीन मानिए इतना टेस्टी, इतना बढ़िया रेसिपी हुआ है, क्या बोलूँ, इतना अच्छा लगा। मसाला के साथ खा कर बोर हो चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि कम मसाला से बनाती हूँ। तो इतनी पतली सी सिंपल सी एक रेसिपी है, बहुत टेस्टी हुई है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। आई होप आज का ये रेसिपी आप सबको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शहाना ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।